हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ ने प्रधानाचार्य कोटे को 50:50 यथावत रखने या फिर टीजीटी कैडर को 7:40 की प्राथमिकता दिए जाने की मांग उठाई है। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा प्रधानाचार्य कोटे के फीडिंग कैडर प्रमोशन अनुपात में बदलाव की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसको लेकर विभिन्न संघों ने बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा करना शुरू कर दी है। इसी कड़ी में हमीरपुर में हिमाचल प्रदेश मुख्य अध्यापक संवर्ग अधिकारी संघ ने भी बैठक की है। 15 नवंबर शिमला में शिक्षा निदेशक के साथ एक बैठक भी इस मुद्दे पर प्रस्तावित की गई है। संघ के पदाधिकारी इस बैठक में निदेशक के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गौतम ने पदाधिकारियों की बैठक लेने के बाद मीडिया से रूबरू होते हुए ये जानकारी दी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय गौतम ने कहा कि वर्तमान में प्रधानाचार्यों की पदोन्नति मुख्य अध्यापकों और प्रवक्ताओं से होती है और मुख्य अध्यापकों का फीड कैडर टीजीटी है। इस कैडर की संख्या लगभग 23,000 से ऊपर है। साथ ही वर्ष 1992 में ये प्रमोशन अनुपात 60:40 का होता था, जो कि वर्ष 2008 में इसको बदलकर 50:50 कर दिया गया, जो कि टीजीटी कैडर के साथ एक अन्याय था। उन्होंने कहा कि वर्षों तक सेवाएं करने के बाद टीजीटी को मुख्य अध्यापक की पदोन्नति मिलती है, उसके बाद उसे प्रधानाचार्य पद मिलता है, लेकिन विभाग उसे भी बंद करने पर तुला हुआ है, जो कि कदापि सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संघ मांग करता है कि वर्तमान में टीजीटी संख्या को देखते हुए मुख्य अध्यापकों और प्रवक्ताओं को पदोन्नति कोटा 7:40 किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान में वर्ष 2017 से प्रधानाचार्य प्लेसमेंट पर काम कर रहे हैं और लगभग 300 पद प्रधानाचार्यों और 250 पद मुख्य अध्यापकों के रिक्त पड़े हुए हैं, जिस कारण बहुत से मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ ने रिक्त पदों को भी जल्द भरने की मांग उठाई है। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार द्वारा समय समय पर नियम बदले जाते हैं और वो संख्या बल के आधार पर बदले जाते हैं। इस वक्त जहाँ तक टीजीटी कैडर की बात है, उनको संख्या के अनुपात में कोटा कम दिया गया है। हमारी मांग है कि जो सरकार ने 2007 में नियम बदले थे, जिसमें मुख्य अध्यापक का कोटा प्रिंसिपल के लिए 60% से घटाकर 50% कर दिया गया था, उसको बढ़ाकर पुनः 60% किया जाए, क्योंकि टीजीटी काडर की जो संख्या है वो 54,000 के करीब बनती है। अगर उसमें से अगर टीजीटी की ही बात करें तो वो 23,000 से ऊपर का काडर है, जबकि जो लेक्चर्स हैं वो 16,000 का काडर है, उसमें से 4500 जो लेक्चरर हैं वो प्रमोट ही हैं आज की डेट में, और बाकी जो हैं वो 4500 लेक्चरर न्यू हैं। तो उस संख्या को जो टीजीटी से ही पदोन्नत होके जाते हैं, अगर जोड़ा जाए तो हम 27,000 के करीब बन जाते हैं, जबकि लेक्चर जो हैं वो 11,000 के करीब रहते हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी बिलासपुर में 2018 में कि कोटे से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, सबका ध्यान रखा जाएगा, तो किसी भी प्रकार का सरकार चेंज ना करे। अन्यथा अगर चेंज करनी है तो मुख्य अध्यापकों को पदोन्नति में टीजीटी कैडर की संख्या को देखते हुए 60% कोटा जो है वो दिया जाए। इस मुद्दे पे कन्या विद्यालय हमीरपुर में जो टीजीटी कैडर के संवर्ग है, उसमें टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी साइंस, प्रमोटी लेक्चर्स और हेडमास्टर प्रिंसिपल ऑफिसर कैडर एसोसिएशन के पदाधिकारी जो हैं वो आज रणनीति तैयार करेंगे, और डायरेक्टर साहब ने इस मुद्दे पर हमें बुलाया है अपना पक्ष रखने के लिए 15 तारीख को शिमला में। तो हम 11 बजे वहाँ मीटिंग में भाग लेंगे और अपना पक्ष वहाँ सुदृढ़ता से रखेंगे।